हिंदी विशिष्ट मीरा के पद पद पहला पद का सारांश और भावार्थ आपको मैं पूर्व में समझा चुका हूँ। पद दूसरे पद का भावार्थ और सारांश मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ कावित्री मीरा के द्वारा रचित हैं, जो पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कावित्री मीरा कहती हैं कि वह कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है तथा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने में मग्न है। कावित्री मीरा कृष्ण के प्रेम में इतना रस विभोर हो गई है कि लोग उसे पागल की संज्ञा देने लगे हैं। उनके सगे संबंधी कहते हैं कि ऐसा करके वह कुल का नाम खराब कर रही है। आगे कावित्री मीरा कहती है कि राणा जी ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा था, जिसे वह हंसते हंसते पी ली और अमर तत्व को प्राप्त हुई। आगे कावित्री कहती है कि यदि प्रभु की भक्ति सच्चे मन से किया जाए तो वे सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर को अविनाशी की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि वे नश्वर हैं। प्रस्तुत पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ या पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। प्रस्तुत पहले पद में कावित्री मीरा ने कृष्ण से अपनी भक्ति और प्रेम को व्यक्त किया है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यर्थ लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई कवित्री मीरा समस्त रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। आपके सामने मैं मीरा के पद के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, प्रश्नों के बारे में बताता हूँ और उनका उत्तर भी आपको बताता हूँ और आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। मीरा नंबर एक है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? इसका उत्तर है मीरा कृष्ण को अपना सर्वोच्च मानती है, वह स्वयं को उनकी दासी भी मानती है और कृष्ण की उपासना एक सर्व पिता पत्नी के रूप में करती है। मीरा के प्रभु सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले मन को मोहने वाले रूपवान हैं। भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अशुभन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फैली गई अंगर फल होई। इसका जो उत्तर है, इसका जो भाव है, ये सौंदर्य है, ये पंक्तियाँ कृष्ण भक्त कावित्री मीराबाई द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में मीरा की भक्ति अपनी चरम सीमा पर है। मीरा ने अपने आंसुओं के जल से सींच कर कृष्ण रूपी प्रेम की बेल बोई है और उस प्रेम रूपी बेल में फल आने शुरू हो गए हैं। अर्थात मीरा को अब आनंद की अनुभूति होने लगी है। शिल्प सौंदर्य भाषा मधुर है, संगीत में है और राजस्थानी मिश्रित भाषा है। सींची सींची में पुन
रुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बोली बोई बोई आनंद फल अशुभन जल में सांग रूपक अलंकार का बहुत ही कुशलता से प्रयोग किया गया है। दूसरा है भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दही मथी घट कढ़ी लियो डारी दही छोई। उत्तर भाव सौंदर्य। इस पद में मीरा ने भक्ति की महिमा को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पद में भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण तथा सांसारिक सुख को छाछ के समान आसार माना गया है। वह कहती है कि मैंने दूध की मथानियों को बहुत प्रेम से मथा है। इसमें दही को मत कर घी तो निकाल लिया और छाछ को छोड़ दिया है। इस प्रकार इन पंक्तियों में मीरा संसार के सारे तत्व को ग्रहण करने और व्यर्थ की बातों को छोड़ देने के लिए कहती है। शिल्प सौंदर्य। भाषा मधुर है, संगीत में है, राजस्थान मिश्रित है, पद की भक्ति रूप से परिपूर्ण है। घी और छाछ शब्द प्रतीकात्मक रूप में लिए गए हैं। दूध की मथानियां छोई में अनुयोक्ति अलंकार है। तीसरा प्रश्न है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर ये है, लोग उन्हें बाबरी कहते हैं क्योंकि मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बुद्ध को खो चुकी थी। कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार को भी त्याग दिया। उसके इस कृत्य पर लोगों व परिवार वालों ने उसकी भरपूर निंदा की, परंतु मीरा तो सब संसारिकता को त्याग कर कृष्ण की भक्ति में रस चुकी थी। मीरा की कृष्ण भक्ति की इस पराकाष्ठा को बावलेपन की संज्ञा दी गई। चौथा प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजा, मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? इसका उत्तर ये है, मीरा की कृष्ण भक्ति के कारण उनके पति परेशान रहते थे। उन्हें अपनी कुल की मान मर्यादा खतरे में मालूम पड़ती थी। अतः उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा और मीरा ने भी उसे हंसते हंसते पी लिया। परंतु कृष्ण भक्ति के कारण जहर मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस तरह यहाँ पर विरोधियों पर व्यंग किया गया है कि कुछ भी क्यों ना कर ले, ईश्वर भक्ति करने वालों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। पांचवा प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? इसका उत्तर है, मीरा संसार में लोगों को मोह माया में जकड़े हुए देखकर रोती है। मीरा के अनुसार संसार के सुख दुख ये सब मिथ्या हैं। मीरा संसारिक सुख दुख को आसार मानती है। उनको लगता है कि किस प्रकार लोग संसारिक मोह माया को सच मान बैठे हैं और अपने व्यर्थ जीवन को गवा रहे हैं, इस कारण वे जगत को देखकर रोती हैं। छठवां है प्रश्न, कल्पना करें
प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? इसका उत्तर है, प्रेम प्राप्ति की राह आसान नहीं होती। मीरा को भी प्रेम प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे सर्वप्रथम तो उन्हें घर परिवार का विरोध सहना पड़ा होगा, उन्हें रोकने के लिए अनगिनत प्रयास किए होंगे, समाज के लोगों ने भी उस पर टीका टिप्पणी की हो, यहाँ तक कि उन्हें रोकने के लिए मारने के लिए भी प्रयास किए होंगे। कहा जाता है यातनाओं से तंग आकर मीरा ने मेवार छोड़ दिया और मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारका पहुंची और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। सातवां प्रश्न है, लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर ये है, लोकलाज खोने का अभिप्राय परिवार की मर्यादा खोने से है। हर एक समाज की अपनी मर्यादा होती है और जब कोई व्यक्ति इसके विपरीत कार्य करता है तो उसे मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोकलाज खोने की बात की जाती है। मीरा का विवाह राजपुताना परिवार में हुआ था। राज परिवार से संबंध होने के कारण वहाँ महिलाओं को अनेक प्रथाओं का पालन, जैसे पर्दा प्रथा का पालन करना, पर पुरुषों के सामने आना, मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन में शामिल होना आदि अनेक बातों की मनाही थी। मीरा ने परिवार की इन झूठी मर्यादाओं की परवाह नहीं की और कृष्ण भक्ति, सत्संग, भजन, साधु संतों के साथ उठना बैठना निर्भय पूर्वक जारी रखा। इसी संदर्भ में मीरा लोकलाज छोड़ने की बात की गई है। आठ नंबर का प्रश्न है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? इसका उत्तर इस प्रकार है, मीरा ने प्रभु को अविनाशी कहा। मीरा के अनुसार ऐसे अविनाशी प्रभु को पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। ऐसी सहज भक्ति से भक्त को प्रभु की प्राप्ति होती है। नौवां नंबर का है, ये पंक्तियां हैं, इसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूं। लोग कहे मीरा गई बाबरी, न्यास कहे कुल नासी। मीरा के बारे में लोग, समाज और न्यास कुटुंब की ऐसी धारणा क्यों है? इसका उत्तर इस प्रकार है, समाज के लोग सांसारिक मोह माया को वास्तविकता मानते हैं। उसके लिए धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि बातें ही सत्य होती है और मीरा का इन सांसारिक सुखों का त्याग करना उनके अनुसार उसे बावली की संख्या में ला खड़ा करता है। उसके विपरीत परिवार वालों के अनुसार मीरा ने कुल मर्यादा की परवाह ना करते हुए मंदिरों में नाचना, साधु संतों के साथ उठना बैठना आदि कार्यों को जारी रखा। वे मीरा के इन कृत्यों को कुल नाश करने वाला मानते हैं। बच्चों, मीरा के पद के बारे में उनके पद का भावार्थ, सारांश और क्वेश्चन आंसर, मीरा का जीवन परिचय के बारे में भी आपको सब पढ़ा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क करिए।